Hello, this is Amar Khan, and right now I am at Fuchsia Studio, and you are going to get a great insight about my firsts. जॉब मैं लाहौर में थी और वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट हब है ओलोम पोलो मीडिया के नाम से. तो वी हैड एन एक्टिंग असाइनमेंट देयर जिसमें मैंने परफॉर्म किया एक थिएट्रिकल एक्ट. फर्स्ट सैलरी आई थिंक ये उसी से आई थी फर्स्ट सैलरी, एंड दैट वाज लाइक 15,000 का स्टाइपेंड सॉर्ट. एक हमारे राइटर और डायरेक्टर हैं सरमत सहबाई साहब, और वो एक फिल्म बनाने जा रहे थे उस वक्त जिसमें एक क्रिश्चियन लड़की का रोल था. तो दैट वाज द फर्स्ट एवर टाइम मैंने कैमरा फेस किया और ऑडिशन दिया. वो फिल्म नहीं बन सकी, मटेरियलाइज नहीं हुई, बट दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन. अब इतना फर्स्ट तो किसी को भी याद नहीं होता. मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप पूछ रहे हैं कि आप जब इस दुनिया में आए तो आपने पहला नाम एज अ बच्चा क्या बोला, मामा या पापा, ये किसी को याद नहीं होता. फर्स्ट डायलॉग तो नहीं, लेकिन जो फर्स्ट मुश्किल डायलॉग है वो याद था. वो एक ड्रामा था जिसमें मैं अपने हीरो को देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरे दिल में एक ऐसा कांटा पेवस्त है जिसकी चुभन मेरे कल्प तक जाएगी. तो वो इतना बाहुबली डायलॉग था कि आई वाज लाइक मुझे वो पेवस्त तक पहुँचते ही कोई 2-3 घंटे लग गए. पहली दफ़ा अपने आप को ऑन स्क्रीन देखा एक शॉर्ट फिल्म में जो कि स्टूडेंट लेवल पर बनाई. तो उसमें मुझे आई वॉज शॉक्ड, सरप्राइज. वो होता है ना एज एन एक्टर आप अपनी प्रोफाइल देख रहे होते हो, राइट वाली अच्छी है या लेफ्ट वाली अच्छी है. इंटरव्यू में बैठने से पहले भी मैं बता देती हूँ कि ये वाली प्रोफाइल ना. तो फर्स्ट अपना विजुअल वो आउटलुक देख के वो रिएक्शन था. अच्छा, मुझे ज़्यादातर मैं बहुत फिल्मी थी तो मेरे सेलिब्रिटी क्रश ही थे. तो मेरा पहला सेलिब्रिटी क्रश आई थिंक इट हैज़ टू बी शाहरुख खान, एंड देन फ्रॉम टाइटैनिक जैक. आई नेवर फेल्ड कोर्स. मैं बहुत स्टूडियस, बहुत पढ़ाकू कीड़ा, बहुत कॉम्पिटेंट थी. तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ओपन चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, अगर मेरे कोई स्कूल फेलोज़ भी देख रहे हैं, इन केस वो नीचे कोई ट्रोल करने वाला कॉमेंट गंदा सा लिखें और कहें कि नहीं मैं हुई फेल, झूठे मक्कार होंगे वो एक नंबर के. आई हैव नेवर फेल्ड, आई वॉज़ वेरी गुड. मैं डॉलमन मॉल जा रही थी और मेरी नई नई फिल्म टेलीफिल्म आई थी एहसन खान के साथ चश्मे नम. तो एक आंटी थी और वो उसके फूड कोर्ट में आई और उन्होंने मुझे आके कहा कि बेटा आपने अच्छा काम किया था, और फिर मेरे साथ एक सेल्फी ली. सो या दैट वाज द फर्स्ट फैन मोमेंट. पहली तो नहीं याद क्योंकि मुझे ज़्यादा पिटाई पड़ी नहीं, मैं बहुत शरारती बच्चा नहीं थी. तो लेकिन एक बार मैं बात सुन नहीं रही थी और कॉन्स्टेंटली टीवी की तरफ ही मेरा ध्यान था, तो मेरी अम्मा ने वो रिमोट पकड़ के मुझे दो बार ऐसे किया. तो वो मुझे याद. अच्छा, मुझे मेरी नानू ने आज तक वो संभाल के रखा है. तो मैंने उन्हें ईद पे वो ईद कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स आते थे, तो मैंने वो लिख के, और तब मुझे लिखना भी नहीं आता था, आई थिंक आई वाज इन सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड. तो मैंने उनको मेरी प्यारी 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 प्यारा नानू वो लिख के मैंने उन्हें दिया, और वो आज तक उन्होंने संभाल के रखा. अच्छा, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ. फर्स्ट टाइम जब मैंने एक लड़के को थप्पड़ मारा, एंड शायद दैट वॉज द लास्ट टाइम आई स्लैप्ड अ बॉय, दैट वॉज आई वॉज इन फिफ्थ क्लास. वो मेरा क्लास फेलो था, उसका नाम था तैमूर, और मैं सीढ़ियों से अपने क्लास की तरफ जा रही थी, मैं स्लिप हुई. तो उसने बजाए कि ये कहने के ओ गिर गई, उसने कहा कि तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं खड़ी हुई, मैंने तो वो आज तक मुझे अपना स्टंट याद. फर्स्ट मोबाइल फ़ोन वॉज अ सोनी एरिक्सन कैमरे वाला. नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, तो मुझे नहीं याद मैंने पहले झूठ क्या बोले. अभी होगा तो आपको थोड़ी, आप फूशिया को इतनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे. एक गाना था तू ही रे, सो या आई यूज़ टू हम दैट वन. इन सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए नहीं इन्हें चैन, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी, अपने बिछा दूँ ये नैन. थैंक यू सो मच, आई लव्ड इट एंड यू मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. इन फैक्ट आज बड़ी रिकॉल वैल्यू मेरे दिमाग में आई कि मैंने पहला क्या क्या अपनी ज़िंदगी में जो है वो सामान इकट्ठा किया. सो थैंक यू फॉर टेकिंग मी डाउन द मेमोरी लेन.